मिट्टू शर्मा, ये शायद मतलब होली का माहौल है, इसमें आप थोड़ी सी शर्म करेंगे प्लीज। क्या शर्म की, मैं नंगे गुब्बारे फेंक रहा हूँ किसी के ऊपर, क्या शर्म की? देखिए, एक तो हमारी जो फूल जैसी बेटी है वो इनके परिवार के लिए मिठाई लेके आई। हाँ। अब इनकी दादी मिठाई की प्लेट लेके भाग गई। नहीं चलो भाग गई, भाग गई, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, भाग गई। लेकिन बाहर जाके वही मिठाई बच्चों को खिला के उनसे पैसे ले रही है, ये बात हुई ना। मतलब ये क्या, अब उसमें से एक बेचारे मासूम से बच्चे के पास पैसे नहीं थे, उसका पीजी बैग तोड़ के पैसे बटोर रही है उसने। तरीका हुआ आपका है? उसका तो पिग्गी बैंक तोड़ा ना, आपकी बातें सुन ली मेरी दादी ने, आपका पिग्गी जैसा मुंह तोड़ देगी। देखिए बिल्कुल हम एक बाद में जो आज एकदम साफ साफ बता दीजिए कि आप बचपन से ही बदतमीज है या फिर आप में बड़े होकर कोई डिप्लोमा टाइप का ट्रेनिंग तो ये बात तो आपके समझ आ आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े लोग आपके घर में आते होंगे, लेकिन आते हैं। आते तो हैं। टेरेंस कैसे हैं आप? हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो, आप कैसे हो? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बैठिए बैठिए आप बैठिए बैठिए आप खड़े रहिए। क्या है बेटा रेमो, मतलब कई सालों से मेरे हक में एक बात अटकी हुई है। मैं सोचा कि आज पूछ लेती हूँ। क्या, किसमें किसमें अटकी हुई है, समझ नहीं आया। मेरे बात एक है जो मेरे हक में अटकी हुई है। तो मैं लगा के जो पूछ लेती हूँ, मेरे को एक बात बताइए, ये जो आप ये डांस करते हैं, मतलब ये सारा ये वाह वाह डांस कर रहे हैं आप, ये डांस करने से मतलब के मतलब आदमी पतला, आदमी आने के मनुष्य पतला हो सकता है? बिल्कुल दादी जी, अभी आप देख सकते हैं मुझे और टेरेंस को देखो। नहीं वाह, लेकिन ये अच्छी बात है बेटा, आपने मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया। अब यही सवाल मैंने गणेश आचार्य से पूछा था, उन्होंने चाय का कप उठाया और दीवार पे क्या मारा। क्यों बेटा, मैंने तो सीधा सवाल किया था। देखो मारा तो आपके मुंह पे था, लेकिन क्या ना कि जितना उनका डांस अच्छा है उनका निशाना इतना अच्छा नहीं, तो इसलिए दीवार पे लग गया था। समझ में आया? तीन दाढ़ी। देखिए बिट्टू शर्मा, आप क्या है कि बात को इतना डिटेल में समझाने की कोशिश मत कीजिए। बात यहाँ पर गणेश पे खत्म हो रही थी, घुमा के मुझ पर ले गया फालतू में। बात गणेश जी के ऊपर हो रही तो घूम के ही आएगी सीधी, तो आने सकती, आने देंगे थोड़ी। ओहो एक मिनट, चलिए उन बातों को छोड़िए, उन बातों को छोड़िए, आप ये बताइए आपने शादी के बारे में सोचा है? अम्मी जी, आप भी ऐसे कैसी बात कर रही हैं, आपको मेरी खुशी दिख नहीं जाती है। देखिए पलक की मम्मी, उनका पूरा जो है फोकस है अपने करियर पे, वो शादी के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, सोचने के लिए बुजुर्ग बैठे हैं, आप क्यों सोचेंगे? हाँ नहीं, बुजुर्गों के बाद का बड़ा फालतू टाइम होता है, मुझे ले लो। हाँ, अच्छा। अब मैं जब सुबह जागती हूँ, पहले 2 घंटे मैं अपने ऐसे पैरों को घूरती हूँ, मेरे पैर मुझे घूरते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि भाई आज करें तो क्या करें। नहीं, मतलब सोचने का इतना टाइम है हमारे पास, तो हम सोचते हैं, आप क्यों सोचेंगे बेटा? तो आप घबराइए मत, आपके लिए मैंने सोच लिया, आपके लिए एक सही लड़की है पलक, उसे शादी कीजिए, बात को खत्म कीजिए बस। दादी जी, बात पक्की, कर लो इसकी शादी। मैं आपको बता दूं, ये पलक जो इनकी लड़की, कहने को लड़की लेकिन एक प्रॉपर अपने आप में 3 BHK फ्लैट है वो। अच्छी बात है ना बेटा, वही तो प्रॉब्लम है, 3 BHK फ्लैट है पर टेरेस नहीं है। टेरेस नहीं है, टेरेस मिल जाएगा अभी बेटा। आपसे शादी होगी तो 3 BHK विद टेरेस।
देखिए पलक की मम्मी आप ज्यादा तंग कर रही हैं अभी। नहीं बेटा मैं तंग नहीं। बेटा मैं तंग क्या कर रही हूँ? बेटा मैं तो कह रही हूँ कि अगर रिश्ता इनके साथ हो गया तो पलक अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, अच्छा घूमेगी, अच्छा रहेगी। सारे फायदे तो पलक के हुए, उनका क्या फायदा हुआ? थैंक यू। मैं आपके साथ एब्सोल्युटली। बेटा मेरे ख्याल से बस एक बार आप कह दीजिए आपके तरफ से हाँ है तो मुंह मीठा करवाऊ मैं। अभी उन्होंने हाँ कही नहीं, आपने मुंह मीठा कर लिया। बेटा तो हमारी तरफ से तो हाँ है ना। फंस गया बेटा, एक बार इनकी तरफ से भी हाँ हो जाएगी तो इनका हिस्से का भी खा लूंगी। एक बात का खुलासा कर देता हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा आप क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में? मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिसीजन आपका है, मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन हीरा मिस कर रही है आप। हीरा हाथ से निकल जाएगा, ठीक है? आपको नहीं करनी, आप शादी मत कीजिए। है हीरा लेकिन काटना पड़ेगा अपने हिसाब से। आपको नहीं करनी, आप मत कीजिए। आप पलक को थोड़ा डांस सिखा दीजिए बस। चलिए यही कर लेते, डांस सिखा दीजिए पलक को, वो तो कर लेंगे आप। हाँ लेकिन मैं डांस तो सिखा दूंगा, लेकिन डांस सीखने के थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल पलक बेटा, इतनी फ्लेक्सिबल मैं क्या बताऊं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे सलमान खान आए थे तो उनके साथ फ्लर्ट करने लगी। अब अगले दिन यहाँ पर कोई नहीं आया तो नौकर के साथ ही घूमने निकल गई। सो फ्लेक्सिबल। अरे वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, दूसरी मतलब शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अरे हमारे खानदान में सारे सबके सब लोग कमाल के फ्लेक्सिबल, मतलब हम में रबर बैंड में कोई फर्क नहीं है। ये बात तो इनकी मैं भी सहमत हूँ। आपको पता है ये मतलब पैर के नाखून काटती तो नेल कटर नहीं यूज करती, सीधा मुंह में जाता पैर, इतनी फ्लेक्सिबल है। जाइए अभी काफी देर से बैठी है, आपका नाखून बढ़ गया। एक मिनट, जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ बेटा। उससे पहले मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाह रही थी कि क्या है, कुछ टाइम पहले मैंने ना डांस सीखा था। अब वो डांस फॉर्म क्या है, ये आजकल आप बड़ा बताते हैं ना, ये डांस फॉर्म वो डांस फॉर्म ऐसे वैसे। तो भाई डांस फॉर्म क्या है मुझे पता नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, बताइए डांस फॉर्म कौन सा है। मैंने सीखा था कुछ सालों पे, ये देखिए ये डांस फॉर्म बताइएगा खाली। हाँ ये बस जानना चाहूंगी कि बेटा ये डांस फॉर्म कौन सा है। मेरे को लगता है ये जो डांस फॉर्म आपने किया ना अभी, ये डांस फॉर्म का नाम है ना पेंगुइन डांस। पेंगुइन? हाँ। आप पेंगुइन जान पेंगुइन देखा है कभी? मुझे क्यों ऐसा लग रहा किसी ने चिंपैंजी के हाथ बांध दिए पीछे से? आपको खास पता है बेटा, जो कुछ जानकारी है इन दोनों को है। मतलब मैं तो पहले से ही कह रही थी कि भाई अगर डांसर हो तो इनके जैसे हो, मतलब अभिषेक बच्चन नाना पाटेकर बेस्ट है ये दोनों। ए पलक की मम्मी तेरा दिमाग खराब है? अभी तो तेरे को पता था टेरेंस और रेमो से बात कर रही है, सडनली क्या हो गया तेरे को? वो नहीं है वो दोनों जो तू बोल रही है। अब आप कहेंगे कि आप रजत शर्मा नहीं है, आपको भांग लड्डू चढ़ गए। फिर आप कहेंगे कि ये जंतर मंतर ही नहीं है। नहीं है, अगर ये जंतर मंतर नहीं है तो सुबह तो यहाँ पर ये आदमी धरना देकर क्यों बैठा है? बताइए। देखिए बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए, हरे कृष्ण अडवाणी हमारे फ्रेंड है, कंप्लेन कर दूंगी जाके मैं। आपको भांग का लड्डू चढ़ गए? हरे कृष्ण लाल कृष्ण अडवाणी है वो। वो हरे कृष्ण ही है, लाल वाले अलग है। हमारे हरे को लाल करने की कोशिश मत कीजिए, आपको पीला कर दूंगी। बेकार की बातें करते हैं आप। चलो साथियों।